बताओ उनका स्टेटस क्या है? रिजवाना इज 5 मिनट्स अवे. आई थिंक हर स्टोरी इज रियली स्ट्रॉन्ग एंड इट्स सो डिफरेंट, क्योंकि मीडिया ने हमेशा से एक बहुत नेगेटिव रोल दिया है सौतेली माँ को, चाहे कोई ड्रामे का सीन हो या कार्टून कैरेक्टर हो या इवन मूवीज़ हों. और इस वजह से हमने भी यही सोचना शुरू कर दिया है कि अगर सौतेली माँ आएगी तो सिर्फ जुल्म करने आएगी. रिजवाना, आप 2 साल की थी जब आपके अम्मी अबू का डिवोर्स हुआ. जी. और आई एम श्योर उस वक्त ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई होगी आपकी. लॉट. सो टेल मी, हुआ क्या था? मेरी जो मदर है शी इज़ फ्रॉम USA, तो उनका माइंड सेट उसी तरह का था, लाइक वेस्टर्न और मॉडर्न था. और जब मेरे डैड और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी तो शी वॉज़ लाइक ओनली 18 ईयर्स ओल्ड. इवेंचुअली ये हुआ कि क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो उनको एक वो कल्चर समझ नहीं आया, तो वहाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी. फिर देन व्हेन शी वाज लाइक 20, तो फिर मैं हो गई थी, तो घर की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी एंड लाइक एवरीथिंग वाज. एंड शी वाज सो यंग. या शी वाज सो यंग. फिर मेरे फादर और मेरी मदर की लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई. मेरी मदर ने डिसाइड किया कि लेट्स गो USA, हम वहाँ जाके सेट हो जाते. तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, आई एम बॉर्न हेयर, आई वॉन्ट टू लिव हेयर. लाइक तो फिर मेरे फादर ने बोला कि नहीं, लाइक इसका हल यही है कि वी कैन गेट सेपरेट. तो मेरे फादर ने उस वक्त पासपोर्ट बनवा के भी दे दिया था मेरी मदर को कि इफ़ शी वॉन्ट्स टू गो. और मेरे नाना नानी वो भी USA में थे, तो वो भी बोल रहे थे कि ठीक है, आज इट्स ओके. और डिवोर्स हो चुका था उस वक्त? हाँ, डिवोर्स हो गया था. और मेरे फादर ही लाइक सब करवा रहे थे, पूरी अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है, ओके, इट्स फाइन. अब आई वॉज लाइक जस्ट 1.5 ईयर ओल्ड. तो ये हुआ कि फिर मेरा पासपोर्ट और एवरीथिंग बहुत मुश्किल हो रहा था. फिर मेरे फादर ही मेरी देखभाल कर रहे थे एवरीथिंग लाइक. तो वो फिर मुझसे बहुत अटैच हो गए थे क्योंकि हम दोनों ही थे. तो फिर जब टाइम आया कि मेरी मदर ने कॉल करना स्टार्ट किया कि नाउ लाइक इट्स टाइम, सेंड रिजवाना टू मी. तो माय फादर वाज लाइक कि नहीं, अब मैं इससे अटैच हो गया हूँ, ऑल आई हैव इज रिजवाना, तो मैं इसको नहीं दूंगा. तो फिर टाइम निकलता गया और फिर मेरी मदर भी थोड़ा सा यू नो डिप्रेशन में चली गई थी कि यही मेरी एक थी और ये भी अलग हो गई. बट तो ये हुआ कि फिर उन्होंने भी अपना काम स्टार्ट कर लिया, बिजी हो गई, बिजी हो गई. ऑल्सो शी गॉट मैरिड टू यू नो अनदर मैन. फिर जब मैं छोटी थी तो फिर मेरे दादा दी ने बोला कि इट्स टाइम के लाइक माई फादर शुड गेट मैरिड. हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज लाइक 3.5 ईयर्स ओल्ड. फिर मेरे फादर ने मैरी किया लाइक मेरी स्टेप मदर को, शी इज़ फ्रॉम इंडिया. तो फिर मेरे फादर और मैं, हम दोनों गए थे. और मैं बहुत छोटी थी, मुझे वो चीज़ें समझ भी नहीं आती थी. और वहाँ गए थे सिर्फ हम दोनों, और जो उनकी छोटी मोटी यू नो रस्में होती है वो सब हुई थी. और फिर 1-2 महीने के बाद मेरी स्टेप मदर यहाँ पर आ गई थी कराची. और जब आप छोटी सी थी और वो पहली दफ़ा आई थी आपके घर में, ऑब्वियसली जब आप लोग उनको इंडिया से लेके आए थे, तो उस ज़माने में उन्होंने हर चीज़ की होगी आपके लिए, क्योंकि आप तो छोटी सी थी, नहलाना, कपड़े चेंज कराना. सो वो मेरे लिए गिफ्ट्स भी लाइक डॉल्स, और क्योंकि वो शादी करके आई थी मैं छोटी सी, तो इट वॉज लाइक सही मेरे घर में एक बेटी है यू नो. तो वो हर चीज़ मेरे लिए लाती थी. और आई रिमेंबर मैं खाना खा लाइक अभी भी आई एम लाइक आई डोंट ईट फूड मच. तो शी वॉज लाइक कि मुझे बिठा के खिलाती थी, और कोई चीज़ आती थी तो शी वॉज लाइक कि रुक जाओ, पहले मैं इसको खिलाऊंगी, देन आई विल गो. फिर क्या हुआ कि मेरा स्टेप ब्रदर हुआ, तो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, क्योंकि लाइक दैट्स ह्यूमन नेचर. मेरी जो उस टाइम पे एज थी, तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि यार नो वन विज़िट, लाइक कोई भी नहीं है मेरे साथ. और क्योंकि वो बिजी हो गई होंगी बेबी के साथ. एग्जैक्टली. दूसरा मेरा भाई छोटा था, तो ज़ाहिर है उसको अटेंशन ज़्यादा मिल रही थी. तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि लाइक I am no one. Left out. Exactly. और फिर you know society is like कि उनको यही चाहिए होता है, फ़ायदा उठाते हैं. और कुछ मेरे ऐसे भी थे जान पहचान वाले, they literally used to like ये पफ नहीं बनाओ, काजल नहीं लगाओ, ये कपड़े नहीं पहनने, जीन्स नहीं पहनना. क्यों? बट दे वर लाइक दिस के इसकी तो यू नो मदर नहीं है कोई, लाइक यू नो एक प्रायोरिटी वाला एलिमेंट नहीं है, तो हम इस पर अपना कर सकते हैं. उनको लग रहा था कि माँ नहीं है तो जो चाहे हम कर लें. और ये एक नहीं है, बहुत सारे लोग, ये लोगों को अच्छा लगता था कि ओ हो इसकी तो मदर नहीं है, तो अपने डैडी के साथ रहती है. और लोग लाइक बुला बुला के पूछते थे, मम्मी की तो याद आती होगी ना, मम्मी की तो याद आती होगी. आई वाज लाइक क्या. लेकिन जब लोग इस तरह की चीज़ें बोलते थे तो आपको अपनी स्टेप मदर पर गुस्सा आता था? हाँ नहीं, मुझे स्टेप मदर पर भी आता था, अपनी असल मदर पर भी आता था कि लाइक क्यों सबने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया. क्योंकि मेरे दिमाग में लोगों ने ये भरा होता
कि शी लेफ्ट यू दिस इज़ सोसाइटी दिस इज़ नॉट माई फादर. लाइक मेरे फादर शुरू से बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे हर लाइक हर फैक्ट से मुझे एक्सपोज किया हुआ है. बट सोसाइटी इज़ लाइक मैं कहीं भी जाऊँ तो दे आर लाइक योर मदर लेफ्ट यू, तो भाई तभी तुम्हारे डैडी ने तुमको रखा हुआ है. आपकी स्टेप मदर के बारे में लोग कुछ कहते थे कि या आपको भड़काते थे कि इनसे दुश्मनी के लिए? नहीं, लाइक इनडायरेक्टली यू नो दे यूज्ड टू से कि ये इंडिया की है, अब तो तुम्हारा भाई भी है, यू नो तुम लोग की नहीं बनेगी अब. और फिर ये बातें लाइक हर कोई मेरे उसमें कान में डालता गया. और फिर मेरा थिंकिंग प्रोसेस भी उसी तरह से चल रहा था. डिड यू फील एंग्री इनसाइड? या लाइक एवरी टाइम अगर लाइक मेरी मॉम मुझे कुछ बोल दे कि डोंट डू दिस, आई वाज लाइक हाँ आप तो आप मुझे बोलोगे ना, यू हैव अ सन. लाइक आई वाज लाइक वेरी एंग्री. पीपल यूज टू से कि तुम इतने गुस्से वाली हो, बट दे डोंट नो कि आपके यू नो पास्ट में क्या है, व्हाट मेक मी लाइक दिस. और उनकी उन्हीं की बातों से आपको गुस्सा भी तो आया. या एग्जैक्टली. और माय फादर वाज लाइक वो पूरा दिन बहुत काम करते थे, एंड जब घर पे आते थे तो ही वांटेड के घर पे थोड़ा सा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट हो, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होता था. एंड अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आई फील लाइक के दैट्स ओके, क्योंकि यू नो रिलेशनशिप चेंज होते हैं तो ये मसले आते हैं. तो शायद मैं भी गलत नहीं थी और वो भी गलत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई था नहीं कि मैं अपनी बातें किसी से शेयर करूँ. यू नो मैं नहीं चाहती थी मैं अपने फादर को बताऊँ, क्योंकि जो भी था ही वॉज इन द मिडल, उनको उनकी वाइफ को भी रखने और उनको मुझे भी रखने. और आई यूज़ टू क्राई लाइक एवरी डे, क्योंकि लाइक मुझे ऐसा लगता था कोई भी नहीं है किससे शेयर करूँ. क्योंकि स्पेशली टीनेज इयर्स में यू आर गोइंग थ्रू सो मेनी सो मच, लाइक नो वन वॉज देयर. और बस जो मैं अपने आप को बोलती थी वॉज दैट के सी no one is here. But did you feel like you didn't belong anywhere? I was feeling like I'm unstable. And did your stepmother make any, क्या वो कोई अपनी तरफ से effort करती थी कि आप लोग की relationship अच्छी हो जाए? I was like, मैं बड़ी हो गई थी, मेरा mature हो गई थी, तो फिर वो खुद मुझे approach करती थी, like she used to make different food or you know, मैं vegetables नहीं खाती, तो जब वो खाना बनाती थी तो वो अलग से मेरे लिए बनाती थी कि I know you like this. तो फिर मुझे भी इस तरह से feel हुआ कि यार she is approaching me. लेकिन जो आपकी एक्चुअल मदर है उनसे आपके अभी तक कांटेक्ट है कोई? मैं छोटी थी और वो पाकिस्तान आई थी जस्ट टू मीट मी. तो क्या हुआ कि हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज इन 2 or 3 क्लास, क्योंकि आई रिमेम्बर मुझे पता भी नहीं था ये लेडी कौन है. क्या हुआ, मेरी मदर जो स्टेप मदर है वो मुझे लेके गई किसी और के घर पे जहाँ पे वो थी. और फिर उन्होंने मुझे मिलवाया, बोला ये ना आंटी से मिल लो. यू डिडंट नो कि वो आपकी अम्मी है? हाँ. और क्योंकि उस वक्त मेरा मेंटल स्टेट ऐसा नहीं था कि कोई मुझे बोले कि लाइक ये भी मम्मी है और ये भी मम्मी. छोटी बच्ची थी ना. हाँ. वाज योर मदर क्राइंग व्हेन शी सॉ यू योर रियल मदर? या लाइक शी वाज लाइक के बस ये आइए. आई स्टिल रिमेम्बर कि जैसे गेट खुला एंड शी वाज लाइक यू, और जैसे गई उसने मुझे लाइक खींचा एंड शी स्टार्टेड स्क्वीजिंग एंड आई वाज लाइक क्यों क्या. और फिर मेरी मदर ने बोला कि इसकी एक बेटी है वो बीमार है तो शी लुक्स लाइक यू, दैट्स व्हाई. जब मैं बड़ी हुई और फिर मेरी मम्मा ने लाइक मेरी दादी लोगों ने मुझे बताया कि देखो वो जो जिससे मिलवाया था ना शी वॉज योर मदर, तो उस वक्त मुझे ऐसा हुआ कि लाइक हमारी सोसाइटी ऐसी क्रिएट हो गई है कि अब मुझे अपनी मदर से मिलने के लिए भी छुप के मिलना पड़ेगा. और उसके बाद वो दोबारा पाकिस्तान आई थी, तब आई वॉज इन कॉलेज. तो हाउ वॉज इट द फर्स्ट टाइम यू मेट हर? फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर कि मैं अपनी चाची के घर थी और वो सुबह 8 बजे मतलब मैं आई वॉज गेटिंग रेडी के लाइक फर्स्ट टाइम वो मुझे देखेगी. और हर कोई मुझे बोलता था कि यू एग्जैक्टली लुक लाइक योर मदर, यू एग्जैक्टली लुक लाइक एवरी थिंग, ब्रोज एंड टीथ एंड एवरी थिंग. और मैं नीचे उतरी तो शी वॉज जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर. और मैंने उनको देख के भी यूँ किया था क्योंकि मैंने उनको कभी देखा ही नहीं और फेसबुक पर भी उनकी कोई पिक्चर वगैरह नहीं थी, बट वो मुझे पहचान गए ऑब्वियसली शी इज़ माई मदर. तो शी वॉज लाइक रिजवाना. और फिर वो जो भाग किया उसने मुझे इतना तेज़ से हग किया, बट दैट वॉज समथिंग न्यू. मैंने उनको आज तक कभी मम्मा नहीं बोला था तो मुझे फ़ौरन वाली फीलिंग नहीं है. तो मैंने भी उनको देखा, हल्का सा हग किया. फिर जब मैं घर गई और उनके घर गई, देन आई स्टार्टेड क्राइंग. फिर मुझे लगा कि अब फाइनली मैं स्टेट में हूँ, लाइक आई एम विथ हर. तो फिर बस वो एक हफ्ता रुकी थी, तो वो टाइम ऐसा था कि उन्होंने बोला मैं अपने इन लॉज के पास भी नहीं जाऊँगी, अगर उनको बुरा लगता है तो लगे, बट लाइक आई एम गोना स्टे हियर विथ यू.
और शी वॉज लाइक के तू वो हर चीज़ कर जो तू है ना अपनी मम्मा के साथ करती है, लाइक शी वॉज लाइक के तू पाँव रख मैं पाँव दबाती हूँ, बट लाइक शी वॉज टू डू एवरी थिंग. शी वॉज लाइक कि तू अभी तक मेरे सामने गुस्सा नहीं हुई, तो हो ना मुझे तुझे मनाना है. शी वॉज लाइक दिस, लाइक शी वॉन्टेड के यू नो मैं जितनी मेमरीज क्रिएट कर सकती हूँ मैं करूँ, और जितनी पुरानी फ्रस्ट्रेशंस है वो सब खत्म हो जाए. हाँ नहीं, शी वॉज टेलिंग मी कि लाइक तू बोल तेरे दिन में क्या है, मैं लाइक मेरे लिए कुछ है तू मुझे बोल, आई विल क्लैरिफाई, इट्स ओके, लाइक यू कैन हैव योर ग्रजेस बट लाइक स्पीक. अच्छा, जब आपकी स्टेप मदर को पता चला कि आप वापस से अपनी मदर के साथ इन टच हैं, तो उनकी कोई रिलेशनशिप डेवलप हुई आपकी अम्मी से? शी वॉज लाइक ओके कि अच्छी बात है करो बात ये. अब फिर मैंने एक दफ़ा अपनी मम्मा को कॉल मिलाया हुआ था और मेरी लाइक मदर स्टेप मदर जा रही थी, तो मैंने बोला ये लो बात करो, तो शी वॉज लाइक मैं क्या बात करूँ, बट मतलब इन अ पॉजिटिव सेंस कि नहीं मैं क्या बात करूँ, एम्बैरस हो रही थी. हाँ लाइक कि मैं क्या बोलूँ अब कैसी हो यू नो. बट फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी अभी पिछले साल जो है मेरी मदर आई थी यहाँ पे, और फिर मेरी मम्मा ने जो है वो इतना सारा लाइक देसी खाना बनाया था, बोला ये तेरी मम्मा को पसंद है ये मुझे पता है, जब तू जा तो ले जाना. और जो मेरी रियल मदर है वो मेरी मदर के लिए लाइक स्टेप मदर के लिए गिफ्ट्स वगैरह लाई थी. दिस इज़ वेयर आई फेल के यार लाइक आई एम लकी, मेरे पास एक नहीं अब दो है और दोनों दे लिव लाइक सिस्टर्स.